नमस्कार, सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बड़ा मुकाबला है और ऐसे में मंडी में क्वीन बनाम किंग की लड़ाई है। जनता क्वीन या किंग, किसे पहनाएगी ताज, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपको बता दें कि मंडी संसदीय सीट इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन में है। इस सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर वीरभद्र परिवार पर भरोसा करते हुए विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताता यह है कि मंडी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार की पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। 1951 से 52 के आम चुनाव से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक यह सिलसिला जारी है और इस सीट पर दो बार उपचुनाव भी हुआ है और दोनों बार कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने ही जीत हासिल की है। 2013 में हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जब चुनाव जीता तब भी केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि 2021 में सिलसिला टूट गया जब इस उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने फिर से जीत का परचम लहराया, लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार थी। आइए आज हम आपको मंडी लोकसभा सीट का सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा मुकाबला। मंडी में क्वीन बनाम किंग की लड़ाई। जनता किंग या क्वीन, किसे पहनाएगी ताज। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर इस बार लड़ाई एक क्वीन और शहजादे के बीच है। बीजेपी ने जहां मंडी से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण यानी 1 जून को वोटिंग है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गई है। अब सभी सियासी पार्टियों के दिग्गज हिमाचल की ओर रुख कर दिए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी कल छोटी काशी आ रहे हैं। वो ऐतिहासिक पड्डल मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर देश भर के लोगों की नजरें लगी हुई हैं। यहां चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी कंगना रनौत के मुकाबले की वजह बन गई है। कंगना अपनी बेबाक टिप्पणी को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है और वो अपने चुनावी प्रचार के दौरान लगातार कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य पर हमलावर है। जिन जिन जनों ने अपने घर तो खोए, माल पशु बह गए, जमीनें बह गई, उनके लिए वो राशि थी, किसी को नहीं मिली। अपनों में ही जो है, अपने ही लोगों में जो है, मिल बांट कर वो खाली राशि 1,800 करोड़ का कुछ पता नहीं चला कहां गया। ऐसे चोरों की पार्टी है ये। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य महाचोर, वो भी जमानत पर बाहर है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। तुम लोग विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। कंगना रनौत के विक्रमादित्य सिंह पर निजी हमले को लेकर विक्रमादित्य की ओर से कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा गया है और कंगना के सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। साथ ही कंगना रनौत के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की भी मांग की गई है। श्री विक्रमादित्य सिंह जी के इंस्ट्रक्शन पे हमने कंगना रनौत को लेकर नोटिस भेजा है, क्योंकि उसने पब्लिकली करसोग, मंडी, सरकार घाट, जहां भी पब्लिक रैली कर रही है, वहां व्यक्तिगत रूप से डिफामेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि क्लियरली डिफामेशन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके बारे पहले भी लीगल सेल के द्वारा चुनाव आयोग में उसकी कंप्लेंट की गई, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज हमने उसे लीगल नोटिस भेजा है, जिसके तहत उसे ये कहा गया है कि वो पब्लिकली विक्रमादित्य सिंह से अपोलॉजी टेंडर करे, जिस वे में उन्होंने डिफामेटरी वर्ड्स का
इस्तेमाल किया है उसी वे में वो उनसे माफी मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना और विक्रमादित्य कई मौके पर एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बिना कंगना का नाम लिए गोमा खाने को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि अहंकार में विक्रमादित्य दे रहे हैं महिला विरोधी बयान। मुझे कल कहता है कि ये जिस जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। ए पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काजा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी कंगना रानावत, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व विधायक रवि ठाकुर की रैली में हमला कर दिया। सभी नेताओं को उनके सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बचाया गया। इस हमले को रोकने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ कि जहां हम रैली करने वाला, जहां हमारा प्रोग्राम था जिसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी, उसके समानांतर परमिशन वहां पर कांग्रेस के लोगों को दी और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हमारा कारकेट वापसी में आते हुए रोका और वहां पर पथराव किया, और इस प्रकार से पथराव करने के साथ साथ में जो नारे लगाए बेहुदा और बेशर्म, जो इस प्रकार की हरकतें जो करी उन्होंने, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी को चोट लगी है, शायद पांव फ्रैक्चर हुआ है, और ये सारी चीज को लेकर हम इलेक्शन कमीशन में भी बात करेंगे। बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर उसकी सफलता का दर 100% है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से सभी चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की कोशिश पिछले प्रदर्शन को दोहराने की है। बीजेपी यहां पर भी राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। हिमाचल में चुनाव के दौरान विकास, सड़क, रेल मार्गों के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई अन्य तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस राज्य में अभी सत्तारूढ़ है और उसकी कोशिश यहां पर जीत की राह पर चलने की है, जबकि बीजेपी अपनी जीत की राह पर किसी अन्य दल को आने नहीं देना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बात हम मंडी की कर रहे हैं और 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो ये मुकाबला किस किस में है ये आपको बताते हैं। देखिए, विक्रमादित्य सिंह जो कि कांग्रेस से है, उनका मुकाबला कंगना रनौत से है जो कि बीजेपी से हैं। और ये मुकाबला, क्योंकि हमने आपको मंडी का बताया, लेकिन इसी के साथ कांगड़ा सीट का भी अगर जिक्र करें तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस से आनंद शर्मा है और बीजेपी से डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जिनके बीच ये मुकाबला है। तो कांगड़ा सीट का भी हमने जिक्र किया, लेकिन क्योंकि हम मंडी की लगातार बात कर रहे हैं और ऐसे में इस सीट पर हम मतदाताओं की भी बात कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की भी हम बात कर रहे हैं, एक बार देखिए फिर से, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह है, बीजेपी से कंगना रनौत है। यहाँ पर अगर मतदाताओं की बात करें तो 13.59 लाख मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 6.90 लाख मतदाता है, और महिला वोटर्स की अगर बात करें तो 6.68 लाख वोटर्स यहां पर हैं। तो कुल कितने वोटर्स हैं, महिला वोटर्स कितने हैं, पुरुष कितने वोटर्स हैं, ये हमने आपको जानकारी दी। अब मंडी में कब कौन रहा है सांसद, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाले 2004 की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह यहां से कांग्रेस से जीतती रही हैं। 2009 में वीरभद्र सिंह कांग्रेस से जीते, 2013 में कांग्रेस से ही प्रतिभा सिंह एक बार फिर से सांसद बनी, 2014 में बीजेपी से राम स्वरूप शर्मा की जीत हुई, वो सांसद बने, 2019 से दोबारा से बीजेपी को यहां से जीत मिली और राम स्वरूप शर्मा ही जीते, उसके बाद 2021 में कांग्रेस से प्रतिभा सिंह यहां पर जीती हैं और अब मुकाबला 2024 का है। इसके अलावा मंडी संसदीय सीट पर मौजूदा स्थिति क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। इस समय मंडी सीट पर 17 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पास 4, बीजेपी के पास 12 सीटें हैं। लाहौल स्पीति की सीट पर उपचुनाव होगा, तो मौजूदा स्थिति क्या है सीटों को लेकर ये हमने आपको जानकारी दी।
अब अगर जातीय समीकरण की करें तो वो भी आप समझिए, अनुसूचित जाति की बात करें तो 29.85% यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो 21.4% है। ठाकुर की अगर बात करें तो 33.6% ठाकुर मतदाता हैं और अन्य 15.15% मतदाता हैं यहाँ पर।